सरकार बनाने के लिए कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की बैठक हुई, जिसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ड्राफ्ट तैयार किया गया। बताया गया कि अब इस ड्राफ्ट पर तीनों ही पार्टियों के आलाकमान आखिरी फैसला लेंगे, जिसके बाद सरकार बनाने के लिए आगे का कदम उठाया जाएगा। बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा हुई है, वो ड्राफ्ट तैयार किया है और वो तीनों हमारे पक्ष श्रेष्ठी जो है उनके पास भेजा जाएगा। तीनों पक्ष श्रेष्ठी उस पर निर्णय लेंगे, फिर वो अंतिम होगा और बाद में उसके बाद अगली कार्रवाई शुरू होगी। यूपी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद वहां भारी तादाद में पुलिस तैनात करनी पड़ी। बताया गया कि पुराने विवाद की वजह से दोनों गुटों में मारपीट हुई, जिसके कुछ देर बाद वहां जमकर पथराव हुआ। बवाल बढ़ने की जानकारी मिलते ही भारी तादाद में पुलिस वहां पहुंची और हालात को काबू करने की कोशिश में जुट गई। पुलिस ने बीएचयू के एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल के छात्रों को पकड़ा, जो वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया और पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाकर छात्रों को पकड़ लिया। बाद में इन छात्रों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। 15-16 लड़के बाहर के मिले हैं, जो इस हॉस्टल के इनमेट नहीं है। अभी वो इनके डॉक्टर को और वार्डन को इन तथ्यों से अवगत कराया गया है। उनके लेवल से जो भी चीजें होंगी तय की जाएगी, वो सब कार्रवाई। यूनिवर्सिटी परिसर और आसपास के इलाके में थोड़ी थोड़ी दूरी पर सिर पर हेलमेट पहने और हाथों में लाठियां लिए पुलिस वाले तैनात दिखे। इस बीच पुलिस को कार्रवाई के दौरान हॉस्टल से एक पिस्तौल भी मिली, जिसे उन्होंने जब्त कर लिया। यूपी के हमीरपुर में रोडवेज बस के एक ड्राइवर ने अपने साथी के साथ मिलकर एक दूधवाले की पिटाई कर दी। बताया गया कि जब दूधवाला अपनी बाइक बस अड्डे पर खड़ी करके दुकान से सामान ले रहा था, तभी रोडवेज बस उसकी बाइक से टकरा गई, जिसके बाद रोडवेज बस का ड्राइवर और उसका साथी गुंडागर्दी पर उतर आए। दूधवाले पर बीच सड़क पर बाइक खड़ी करने का आरोप लगाते हुए दोनों उस पर टूट पड़े और गाली गलौज करते हुए उसकी पिटाई करने लगे। इस बीच बस अड्डे पर काफी लोग भी मौजूद थे, जो दूध वाले की पिटाई का वीडियो तो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। हम मुंह पाली ले रहे थे, हम पैसे देने लगे थे, एकदम गाड़ी आग चढ़ा, गाड़ी जोर रगड़ गई। काफी देर चले हंगामे के बाद रोडवेज का ड्राइवर वहां से चला गया। बताया गया कि कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंची और पिटने वाले आदमी से घटना की जानकारी ली गई। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण के बीच सैकड़ों बच्चों ने बिना मास्क पहने दौड़ लगाई। ये बच्चे रन फॉर चिल्ड्रन नाम से हुए एक मैराथन में शामिल हुए। लेकिन प्रदूषण की वजह से दौड़ लगा रहे बच्चों की सांसें फूलने लगी, कई बच्चों की आंखों में जलन भी होने लगी और वो अपनी दौड़ पूरी नहीं कर सके। बढ़ते प्रदूषण से राजधानी की हवा बेहद खराब थी, इसके बावजूद उन बच्चों को मैराथन में दौड़ाया गया। इस कार्यक्रम के आयोजकों ने बच्चों के लिए मास्क के भी इंतजाम नहीं किए थे। सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, कहीं आते जाते फिर ज्यादा अजीब सा लगता है कि मतलब खुल के सांस नहीं ले पाते हम। बच्चों को इस जहरीली हवा से बचाने के लिए ही दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूलों को एक दिन पहले बंद करने के आदेश दिए गए थे। इसके बावजूद बच्चों को बिना मास्क के दौड़ाया गया। वहीं इस कार्यक्रम को कराने वाले लोगों ने दलील दी कि वो हर साल बच्चों के लिए ये दौड़ करवाते हैं। हमारे पास ये समय था भी नहीं कि इस प्रोग्राम को हम कैंसिल कर सकें, क्योंकि ये प्रोग्राम पिछले समझिए तो 30 साल से चल रहा है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी भी अपनी तैयारियों में जुटी है। गुरुवार को बीजेपी कोर कमेटी की भी बैठक हुई, जिसमें पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। बताया गया कि देवेंद्र फडणवीस ने बैठक में मौजूद नेताओं को महाराष्ट्र में एक बार फिर सरकार बनाने का भरोसा दिया। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता स्थापने का जो 3 अंकी नाटक चल रहा है, उसके ऊपर पूरा ध्यान रखकर है। जो राजनीतिक परिस्थिति महाराष्ट्र में है, उसके ऊपर बारीकी से ध्यान भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कोर कमेटी ने रखा है। प्रदूषण से बच्चों को होने वाले नुकसान पर संयुक्त राष्ट्र ने भी खतरे की घंटी बजाई। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट कहती है कि स्कूली बच्चे हर रोज 60 सिगरेट के बराबर धुआं सोख रहे हैं। इतना ही नहीं, हर साल प्रदूषण की वजह से दुनिया भर में लाखों लोगों की जान जा रही है। इसलिए प्रदूषण केवल किसी एक देश या शहर के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। यूएन की इस रिपोर्ट में भारत के अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया का भी जिक्र है। कुआलालंपुर और जामी समेत कई शहरों में इसी साल प्रदूषण की वजह से हेल्थ इमरजेंसी के हालात बने थे। दिल्ली की तरह इंडोनेशिया में भी स्कूल और कॉलेज बंद करने की नौबत आ गई थी। प्रदूषण के ही कारण स्मॉग की चादर ने कई शहरों को ढक लिया था, जबकि भारत में तो सर्दी और गर्मी की तरह प्रदूषण भी हर साल आने वाला एक मौसम बन गया है, जिसके सामने सारी तैयारियां बेकार हैं। हर साल आने वाले प्रदूषण के मौसम की वजह से होने वाले नुकसान पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान स्कूल जाने वाले बच्चे
घर लौटने से पहले ही 50 से 60 सिगरेट के बराबर धुआं फेफड़ों में सोख चुके होते। यह ऐसा नुकसान है जिसका अंदाजा आने वाले सालों में सामने आएगा, जब ये बच्चे गंभीर और लाइलाज बीमारियों की चपेट में आ चुके होंगे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में 1,10,00,000 लोगों की जान 2015 में केवल प्रदूषण की वजह से गई, जबकि भारत में 2030 तक हर साल 1,70,00,000 लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से होने का अनुमान है। इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी हो रहा है। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि भारत की जीडीपी के 1% के बराबर नुकसान प्रदूषण के कारण हर साल हो रहा है। यूपी के पीलीभीत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक सभा में पुलिस वालों को फटकार लगाई। असल में पुलिस वाले वहां शिकायत लेकर पहुंचे एक आदमी को मंच की ओर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मंच से भाषण दे रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने पहले तो पुलिस वालों को फटकार लगाई, फिर पुलिस वालों को सही बर्ताव करने के निर्देश दिए। किसी बेचारे की कोई परेशानी हो उसको अपनी परेशानी को रखने देने के लिए पूरा मौका देना चाहिए और उसकी बात को सुना जाना चाहिए। मंच पर खड़े योगी आदित्यनाथ ने भाषण के बीच में ही पुलिस वालों को आदेश दिया कि उस आदमी को उनसे मिलवाया जाए। तो एक तरफ लेके आ जाओ, उसकी कोई समस्या होगी तो। जो आदमी सीएम से मिलने की कोशिश कर रहा था वो अपनी बेटी की हत्यारों पर कार्रवाई न होने से खफा था। उसने पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े किए, लेकिन सीएम से मिलने के बाद न्याय का भरोसा जताया। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट की मतलब कल तक तुम्हारी पूर्ण कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने से किसानों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया। किसानों ने मुंबई की सड़कों पर मार्च निकालकर बारिश की वजह से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग। राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनने से किसान बड़े संकट में फंस गए और ये सोच रहे हैं कि वो मुआवजा मांगे भी तो किससे मांगे। इसी सिलसिले में उन्होंने मुंबई की सड़कों को जाम करने की कोशिश की। इनमें एक किसान को तो खुद पर कोड़े बरसाते हुए देखा गया। किसानों ने खुद पर कोड़े बरसाए ताकि वो सियासी गणित में उलझी पार्टियों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। इनमें कई किसानों ने सड़कों पर लेटकर भी प्रदर्शन किया, जबकि कई किसान खेतों में सड़ चुके प्याज को भी अपने साथ लेकर आए। राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि राज्यपाल ने अभी सब किसानों को अपने पदर में लेके अपनी जेब में लेके सबको संभालना चाहिए, ये सब जिम्मेदारी अभी राज्यपाल साहब की है। प्रदर्शन के दौरान किसानों और पुलिस के बीच भी धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया। हालांकि किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें मुआवजा देने में और वक्त गंवाया गया तो वो चुप नहीं बैठेंगे। सरकार अभी तक बोलने को तैयार नहीं, कुछ गया नहीं अभी तक। महाराष्ट्र के अंदर किसानों के खेत में जाना चाहिए, सर्वे करना चाहिए। इस्तीफे से पहले देवेंद्र फडणवीस ने खुद माना था कि भारी बारिश की वजह से राज्य में किसानों को काफी नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चोरों ने एक दुकान का शटर तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया। यूपी के जौनपुर में एक दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने लाखों के मोबाइल फोन चुरा लिए। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिया। बिहार के सुपौल में साइकिल पर निकले एसपी मनोज कुमार ने इलाके का जायजा लिया। इस बीच उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। लखनऊ में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश निरात के समेत 3 रैन बसेरों का निरीक्षण किया, साथ ही उन्होंने दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए। अब सारे रैन बसेरों में कल से ही दिव्यांग अगर कोई व्यक्ति आ रहे हैं तो उनके सहायतार्थ एक एक व्हीलचेयर भी अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। राजस्थान के पुष्कर में नगरपालिका चुनाव प्रचार के समय बीजेपी नेता कालूलाल गुर्जर की जुबान फिसल गई और वो राज्य से बीजेपी को ही मुक्त करने की बात कह गए। राजस्थान से तो भारतीय जनता पार्टी को हम मुक्त करेंगे, राजस्थान को, ये तो हमारा प्रण है। राजस्थान के उदयपुर में निकाय चुनाव के प्रचार के समय बीजेपी नेताओं को इलाके में विकास का काम नहीं होने से खफा महिलाओं ने खरी खरी सुनाई। अब जो 5 साल में हालत करी है ना उसने, अब जो उसने बहुत बुरी तरह से गद करी। मध्य प्रदेश के झाबुआ में मिड डे मील का खाना खाने से एक स्कूल में 34 बच्चे बीमार हो गए, जिनमें 8 बच्चों की हालत गंभीर बताई गई। अमेरिका में आए जबरदस्त बर्फीले तूफान की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के कई इलाकों में वक्त से पहले ही भारी बर्फबारी शुरू हो गई और वहां के 22 करोड़ से ज्यादा लोग इसकी चपेट में। जिनको कड़ाके की ठंड और जबरदस्त बर्फबारी का सामना करना पड़ रहा है। बर्फीले तूफान की वजह से हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आई। ठंड और बर्फबारी की वजह से लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। गाड़ियों के बर्फ में फिसलने की वजह से कई हादसे भी हुए। कई जगहों पर बड़े बड़े ट्रक भी बर्फ में फिसल कर पलट गए। This morning up until about now, approximately 20 or so accidents. आधा फीट से ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से हालात बिगड़ गए। अकेले शिकागो में ही 1300 से ज्यादा उड़ाने बर्फबारी की वजह से रद्द करनी पड़ी। Definitely disappointed.
I was supposed to be in West Palm Beach by 10:30 tonight. भारी बर्फबारी की वजह से दिन में भी देखना मुश्किल हो गया। बर्फबारी के साथ भीषण ठंड ने लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी। कई जगहों पर तो पारा -20 डिग्री तक गिर गया। बर्फबारी और ठंड से सबसे बुरा हाल शिकागो का है। आधे से ज्यादा अमेरिका इस वक्त कड़ाके की ठंड झेल रहा है। इतनी ठंड में लोगों के लिए बाहर निकलना और खुले में थोड़ी देर तक रह सकना भी मुश्किल हो गया। लेकिन अमेरिका के मौसम विभाग के मुताबिक हालात अभी और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि शिकागो समेत कई इलाकों में पारा -30 डिग्री तक भी गिर सकता है। 0 डिग्री या उससे थोड़ा कम तापमान ही पानी को जमा देने के लिए काफी होता है। ऐसे में अगर पारा -30 डिग्री तक चला गया तो हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। लोग भी मौसम के इस मिजाज से हैरान नजर आए, क्योंकि आम तौर पर नवंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में वहां इतनी बर्फ कभी नहीं गिरती। मौसम में आए इस खतरनाक बदलाव के लिए आर्कटिक ब्लास्ट यानी आर्कटिक महासागर और उसके आसपास के इलाकों से आने वाली बर्फीली हवाओं को जिम्मेदार बताया गया, क्योंकि रूस के साइबेरिया से चलने वाली इन हवाओं ने कनाडा और अमेरिका के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जो बर्फ से जमे आर्कटिक महासागर के ऊपर से गुजरने की वजह से और भी बर्फीली हो चुकी है। इन सर्द हवाओं की वजह से अमेरिका के ज्यादातर इलाकों में वक्त से पहले ही भीषण ठंड ने दस्तक दे दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका की लगभग 2/3 आबादी यानी करीब 22 करोड़ लोग इस बर्फीली आफत की चपेट में हैं। पटना यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने सड़क जैम कर वाइस चांसलर के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी में उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं, जिस वजह से उनका भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। अपनी मांग पर प्रदर्शन करते हुए कुछ छात्र कॉलेज के गेट के सामने सड़क पर बैठकर हंगामा करने लगे। इस बीच एक ई रिक्शा वाले ने वहां से गुजरने की कोशिश की तो गुस्साए छात्रों ने उसे भी रोक लिया। फिर बाइक सवार दो लोगों के साथ भी ऐसा ही किया गया। सड़क को जैम कर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने वहां से किसी भी गाड़ी को नहीं गुजरने दिया। हंगामे की खबर मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और जैम को खुलवाने की कोशिश की गई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही यूनिवर्सिटी में एनसीसी, स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था नहीं की गई, तो वो बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के चौकीदार चोर है वाले बयान पर मांगी गई उनकी माफी को मंजूर कर लिया। हालांकि इस मामले में राहुल गांधी को आगे से एहतियात बरतने की नसीहत भी दी गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को राजनीतिक विवाद में घसीटने को गलत करार दिया। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से इस पर सफाई दी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई और देश की सबसे बड़ी अदालत ने राहुल के खिलाफ मानहानि केस नहीं चलाने का आदेश दिया। हमने माफी मांगी थी क्योंकि कोई रूप से इरादा नहीं था उनका इरादा निश्चित रूप से था कि एक राजनीतिक वक्तव्य करें, लेकिन किसी रूप से न्यायपालिका की तरफ नहीं था और वो बात अंततोगत्वा जब डिस्चार्ज किया है कंटेंट पे मानी गई है। राहुल गांधी के खिलाफ ये याचिका बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने दाखिल की थी और राफेल डील में प्रधानमंत्री पर निशाना साधने के लिए अदालत के फैसले को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया था। लिहाजा राहुल को कोर्ट से हिदायत के साथ मिली राहत को उन्होंने अपनी जीत माना। ये हमारी जीत है एक तरीके से देखा जाए तो, कि वो जिस तरीके से भ्रमित वातावरण चुनाव के बीच में बनाने की कोशिश कर रहे थे उस पर न केवल कोर्ट ने रोक लगाई है बल्कि फटकार भी लगाई है। इस मामले में बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के राफेल डील पर दिए गए बयान गिनवाए और उन्हें केवल अदालत से ही नहीं जनता से भी माफी मांगने की सलाह दी। कोर्ट से बचने के लिए तो आपने माफी मांग लिया राहुल गांधी, जनता की आंखों में आंख पिलाने के लिए क्या माफी मांगेंगे आप? गुजरात के जामनगर में सरकारी गोदाम में रखी लाखों रुपए की मूंगफली बारिश में बर्बाद हो गई। मूंगफली को किसानों से खरीदकर गोदाम में रखने की जगह खुले में ही छोड़ दिया गया था, जिसके बाद बारिश आई और लाखों रुपए की मूंगफली बर्बाद हो गई। बताया गया कि इस बार बड़ी संख्या में किसानों ने राज्य सरकार को मूंगफली बेची, जिसकी वजह से गोदाम में जगह ही नहीं बची और मूंगफली को बाहर ही रखना पड़ा। ओलों के साथ बेमौसम बारिश से कई इलाकों में फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। दिल्ली में नई शिक्षा नीति के खिलाफ केंद्रीय विश्वविद्यालयों के टीचरों, कर्मचारियों और छात्रों ने जंतर मंतर तक मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में उन्होंने केंद्र सरकार पर शिक्षा को निजी हाथों में बेचने का भी आरोप लगाया। ऐसी खबरें हैं कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट ला सकती है, जिसके खिलाफ केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने आवाज उठाई। इस प्रदर्शन में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्र और टीचरों ने भी हिस्सा लिया और जंतर मंतर तक मार्च निकालकर नई शिक्षा नीति के खिलाफ विरोध जताया। तो नई नीति आने वाली है शिक्षा नीति, इन लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार जो लाने जा रही है वो शिक्षा का निजीकरण है और उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट मार्च इनका हो रहा है।
प्रदर्शन में केंद्र सरकार के खिलाफ अलग अलग पोस्टर लहराकर छात्रों ने अपने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने सरकार पर शिक्षा के निजीकरण का भी आरोप लगाया। प्रदर्शन में जेएनयू शिक्षक संघ भी शामिल हुआ, जिसने दावा किया कि सरकार जेएनयू की तरह दूसरे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी फीस बढ़ोतरी का फैसला थोपना चाहती है। हमें ये पूरा खतरा है कि जिस प्रकार से जेएनयू में ये फीस बढ़ोतरी की गई है, इसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत यही प्रक्रिया बाकी सारी यूनिवर्सिटीज में अपनाई जाएंगी। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षक संघ फिटकुटा का तो ये आरोप है कि सरकार नई शिक्षा नीति में मान्यता प्राप्त कॉलेजों का सिस्टम खत्म करना चाहती है। दावा है कि नई शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें यह प्रस्ताव है कि कोई भी कॉलेज मान्यता प्राप्त नहीं होगा। मान्यता प्राप्त से मतलब है वो कॉलेज जो किसी यूनिवर्सिटी के अधीन आते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसके मान्यता प्राप्त कॉलेज। आरोप है कि सरकार नई शिक्षा नीति के जरिए इन कॉलेजों को स्वतंत्र कर देगी, मतलब इन कॉलेजों का यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं रहेगा और इस तरह हर एक कॉलेज में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन कर दिया जाएगा। दावा है कि यही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तय करेगा कि उस कॉलेज में क्या पढ़ाया जाए, वहां का क्या सिलेबस होगा और फीस कितनी होगी, जिसकी वजह से केंद्रीय विश्वविद्यालय इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने नई शिक्षा नीति पर अब तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। राजस्थान के उदयपुर में निकाय चुनाव के लिए वोट मांगना बीजेपी के नेताओं को महंगा पड़ गया। जिस मोहल्ले में बीजेपी के नेता वोट मांगने पहुंचे, वहां की महिलाओं ने इलाके की समस्या पर गंभीर नाराजगी जाहिर की। और चुनाव में खड़े बीजेपी उम्मीदवार के वहां पहुंचते ही एक महिला उन पर बरस पड़ी। गुस्साई महिला ने आरोप लगाया कि पिछली बार इलाके से जीत कर गई बीजेपी उम्मीदवार ने कभी उनकी सुध नहीं ली। चुनाव में खड़े बीजेपी उम्मीदवार और बाकी कार्यकर्ता महिला से हाथ जोड़कर वोट देने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन पिछले उम्मीदवार का हवाला देते हुए उस महिला ने उनकी एक नहीं सुनी। अब जो 5 साल में हालत करी है ना उसने बहुत पूरी तरह से गलत करी। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि उनके घरों में पीने की पानी की समस्या है, लेकिन किसी ने उस ओर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। गाजा में आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद ने सीज फायर का ऐलान करने के कुछ घंटे बाद ही इसराइल पर दोबारा हमला कर दिया। इससे पहले इसराइल के ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बाद आतंकी संगठन ने अपनी तरफ से सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन कुछ घंटे बाद ही आतंकी संगठन ने इसराइल पर दोबारा कई रॉकेट दाग दिए। हालांकि इनमें ज्यादातर को इसराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। रॉकेट हमले के बाद इसराइल ने भी आतंकियों पर पलटवार करने का ऐलान कर दिया। Israeli security forces will hunt down every terrorist until our children are secure and safe. इससे पहले आतंकी संगठन के रॉकेट हमलों के जवाब में इसराइल ने भी गाजा पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए। इसराइल के इन हमलों में गाजा में कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो गईं, कई मकानों का नामोनिशान मिट गया। इन हमलों में करीब 35 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर फिलिस्तीनी नागरिक बताए गए। इन हमलों के बाद आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद ने अपनी तरफ से सीज फायर का ऐलान किया था। दिल्ली हाईकोर्ट आज INX मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को ईडी मामले में जमानत पर फैसला सुनाएगी। पी चिदम्बरम ने अपनी जमानत याचिका में हाईकोर्ट से कहा था कि उन्हें केवल परेशान करने और उनकी छवि को खराब करने के लिए ईडी ने गिरफ्तार किया है। चिदम्बरम ने यह भी दावा किया कि ईडी ने हिरासत में रखने के समय उनका किसी अन्य आरोपी से आमना सामना भी नहीं करवाया। ये पूरा मामला डॉक्यूमेंटेड है, लिहाजा ईडी को उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय डॉक्यूमेंट की जाँच करनी चाहिए। हरियाणा में मंत्रालयों के बंटवारे में दुष्यंत चौटाला का दबदबा नजर आया, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले उन्हें कई बड़े मंत्रालय मिल गए, जिसके बाद हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी गठबंधन वाली सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और 10 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें बीजेपी के कोटे से 8, जेजेपी के कोटे से 1 और 1 निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाया गया। लेकिन मंत्रियों के शपथ लेने से ठीक पहले देर रात मंत्रालयों का बंटवारा हुआ और जेजेपी को रेवेन्यू और पीडब्ल्यूडी जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। यही वजह है कि अब तक मीडिया से बात करने से बचते दिख रहे दुष्यंत चौटाला ने खट्टर के नए मंत्रिमंडल की जमकर तारीफ की। हर फील्ड के व्यक्ति को जगह मिली है, हरियाणा का चौमुखी की विकास हम सब मिलकर करने का काम। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं कहा और गठबंधन धर्म का हवाला देकर मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को सही साबित करने की कोशिश की। राष्ट्रीय स्तर पर सभी नेताओं से बातचीत करनी पड़ती है और गठबंधन सरकार है, गठबंधन के लोगों से भी सामंजस्य बैठाना पड़ता है, इस कारण से ये हुआ। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिवाली के दिन शपथ ली, लेकिन खबर है कि मंत्रालयों के बंटवारे पर दुष्यंत चौटाला के अड़ियल रुख की वजह से 17 दिन तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया,
और आखिरकार दुष्यंत चौटाला बीजेपी पर दबाव बनाने में कामयाब रहे और सरकार में केवल दो मंत्रियों वाली जेजेपी की झोली में 11 बड़े मंत्रालय डलवा दिए, जिनमें रेवेन्यू, एक्साइज, इंडस्ट्री, पीडब्ल्यूडी और रोजगार जैसे मंत्रालय शामिल हैं। खबर है कि इन 11 में ज्यादातर मंत्रालय दुष्यंत चौटाला खुद संभालेंगे। हालांकि चर्चा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गृह, वित्त और स्वास्थ्य विभाग अपने पास रखने का फैसला किया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी हुई। जिसके बाद हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 3 दिनों तक बर्फबारी जारी रहेगी। गुजरात के जामनगर में सरकारी गोदाम में खुले में रखी गई क्विंटल मूंगफलियां बारिश का पानी भरने की वजह से बर्बाद हो गई। हरियाणा सरकार में गृह मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अनिल विज अम्बाला पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस बीच अनिल विज ने राज्य का विकास करने की बात कही। मेरा एक ही नारा है कि काम किया है, काम करेंगे। यूपी के पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां 525 जोड़ों की शादियां करवाई गई। इस बीच सीएम ने 477 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के बीच बिजली गिरने से एक पेड़ में आग लग गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास में भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से कई लोग रास्ते में ही फंस गए, जिसके बाद घंटों से बर्फ में फंसे लोगों ने प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की। ना तो प्रशासन, ना तो बीआरओ, कोई भी यानी कि लोगों की सुध लेने के लिए यहाँ नहीं आ रहा है ना। जयपुर के पास मौजूद सांभर झील में हजारों पक्षियों की मौत होने से हड़कंप मच गया। देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील में अचानक 4000 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो गई, जिसने सभी को चौंका दिया। झील में जगह जगह पक्षी मरे मिले। इन पक्षियों में 27 ऐसी प्रजातियां मिली जो दूसरी जगहों से वहां पहुंची थी। कुछ पक्षी जिंदा भी मिले तो उनकी हालत काफी खराब थी। डॉक्टरों की टीम ने इन पक्षियों को दवा देकर ठीक करने की कोशिश की। हालांकि सांभर झील में इन पक्षियों की मौत किन वजहों से हुई, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। इसकी कुछ रिपोर्ट आएगी, उसके बाद एक बार किया जा सकेगा कि इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते और नंबर बढ़े। झील में कुछ पक्षी सही सलामत घूमते भी मिले, लेकिन उनकी तादाद काफी कम दिखी। मेडिकल टीम ने कुछ पक्षियों के शवों को इकट्ठा करके जमीन में दफन कर दिया, जबकि कुछ के शवों और झील के पानी की जांच कराने का फैसला लिया गया। गुजरात के भरूच से बीजेपी सांसद मनसुख भाई वसावा ने राम मंदिर पर ऐसा विवादास्पद बयान दे दिया, जिसकी वजह से वो और बीजेपी दोनों विपक्ष के निशाने पर आ सकते हैं। भरूच में एक सभा के समय मनसुख भाई ने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार होने की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। राम जन्मभूमि केटलो जूनो मुद्दो होतो, केटला वर्षो वीती गया, देश आजाद पण नतो थयो नतो, ए समय थी राम जन्मभूमि नो आंदोलन चालू, तो केटलाक लोगो शहीद थया छे, કેટલાય આંદોલનો કર્યા છે, પરંતુ એ મુદ્દો પણ આપણી સરકાર, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર કેન્દ્રમાં હોવાના કારણે જ આ સુપ્રીમ કોર્ટે આપણા તરફી જજમેન્ટ આપવું પડી છે। दिल्ली में भारी प्रदूषण की वजह से छुट्टी के ऐलान के बाद भी कुछ स्कूल खुले रहे, जबकि प्रदूषण बढ़ने के बाद दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए। इसके बावजूद राजधानी के कुछ निजी स्कूलों में पढ़ाई हुई। हर रोज की तरह बच्चे सुबह स्कूल पहुंचे, लेकिन कुछ देर बाद ही छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। 2:30 बजे छुट्टी होती है, स्कूल से कॉल आई 11:30 के आसपास की, बच्चे को ले जाओ 12:30 तक। स्कूल की छुट्टी होने की जानकारी मिलने के बाद बच्चों के परिवार वाले भागे भागे वहां पहुंचे। दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर खतरनाक स्थिति में है, बावजूद उसके प्राइवेट स्कूल जो है, कुछ प्राइवेट स्कूल जो है, उन्होंने छुट्टी नहीं की। इस दौरान प्रदूषण की वजह से स्कूल आने वाले कई बच्चों ने आंख और गले में जलन होने की भी शिकायत की। न्यूज 18 की मुहिम मिशन पानी ने देश के कोने कोने तक लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक करने का काम किया है। ऐसे में बेंगलुरु के गौतम सुराना ने भी जल शक्ति मिशन में अपनी भूमिका तय कर ली और इको 365 नाम के एक ऐसे स्टार्टअप की शुरुआत की, जिससे नलों से बेवजह बहते पानी को बर्बाद होने से बचाया जा सके। इसके लिए गौतम सुराना ने हर तरह के नल में आसानी से फिट होने वाले वाटर सेवर बनाए और पानी बचाने के लिए कई प्रयोग करके दिखाए। फुल,
गौतम ने दावा किया कि ये वाटर सेवर लोगों के घरों में 30 से 90% तक पानी की बर्बादी रोक सकता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी कैन सेव वाटर। यू कैन सी दीज टू टैप्स विच आर फिटेड विद वाटर सेविंग एरेटर्स। दिस इज फ्लोइंग एट 3 liters per minute। दिस इज अ शावर फ्लो, वेयर एज दिस इज मिस्ट फ्लो फ्लोइंग एट जस्ट 200 ml per minute। द फ्लो इज सो लेस दैट यू कैन एंड अप सेविंग ऑलमोस्ट 98% वाटर। इस मुहिम में गौतम की टीम भी उनका बखूबी साथ दे रही है, जिसकी मदद से गौतम का लक्ष्य 2030 तक 5 करोड़ टैंकरों के बराबर पानी की बर्बादी को रोकना है। इमेजिन अ सिटी लाइक बैंगलोर और दिल्ली हैज सो मेनी हाउसेस, यू नो इफ वन हाउस इज एबल टू रिड्यूस वाटर वेस्टेज बाय 30%, इफ वी हैव 20 lakh हाउसेस, यू नो 20 lakh इनटू 30% एंड इफ एवरेज हाउस कंजम्पशन इज 500 liters, सो इट इज 150 liters वाटर एवरी हाउस इज सेविंग। So that's a huge amount of saving. दावा है कि गौतम सुराना अपने स्टार्टअप इको 365 से अब तक 35,000 करोड़ लीटर पानी बचा चुके हैं, जिसके लिए उन्हें कौशल विकास मंत्रालय की ओर से 2019 के नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। चिली में राष्ट्रपति सेबास्टियन पिनेरा के संविधान में बदलाव का भरोसा देने के बाद भी वहां जारी बवाल नहीं थमा। वहां मेट्रो के बढ़े किराए के मुद्दे पर शुरू हुआ प्रदर्शन गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ रहे अंतर और महंगाई के खिलाफ बड़ी लड़ाई में बदल चुका है, जिसके लिए सैकड़ों लोग एक बार फिर राजधानी सैंटियागो की सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। सरकार का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की और रास्तों को बंद करने की कोशिश की। इस दौरान भीड़ की उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे सुरक्षा बल से भी जोरदार झड़प हो गई। लोगों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बल ने उन पर आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां दाग दी। जवाब में प्रदर्शनकारियों ने भी सुरक्षा बल पर पथराव किया और जगह जगह आगजनी की। हालांकि इससे पहले लोगों के गुस्से को देखते हुए राष्ट्रपति सेबास्टियन पिनेरा ने संविधान में जरूरी बदलाव का भरोसा दिया था। लेकिन राष्ट्रपति के इस्तीफे पर अड़े लोग संविधान में बड़े पैमाने पर बदलाव की मांग करने लगे। दिल्ली में एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर यूपीए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि नया भारत हर तरह के आतंकवाद से निपटने में सक्षम है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत मुंबई के 26/11 के आतंकवादी हमले का जवाब ठीक से नहीं दे सका था, लेकिन उरी और पुलवामा हमलों के जवाब से आतंकवादियों में दहशत फैल गई। The lack of response to 26/11 is so different from the Uri and Balakot operations. Whether it be events or trends, they all bear scrutiny for the lessons they hold. If we look back at this journey of independent India, the growth in its capabilities and influence should not conceal the mischances and shortcomings. पटना के पीएमसीएच में जाने माने गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के निधन के बाद उनके शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली। इस मामले में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई, क्योंकि वशिष्ठ नारायण सिंह के निधन के बाद करीब 2 घंटे तक उनका शव अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस के इंतजार में पड़ा रहा। उनके पार्थिव शरीर को उनके घर तक ले जाने के लिए घर वालों ने एम्बुलेंस की मांग की थी, लेकिन किसी ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। कहे किससे, अंधे के सामने रोना, अपने दिल का खोना, कहे तो किससे कहे, कहने से कोई सुनने वाला भी नहीं। और जब मामले ने तूल पकड़ा तो अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। मैंने नहीं समझा कि इनको डेड बॉडी कैरी करने के लिए भी एम्बुलेंस की जरूरत है, वरना एम्बुलेंस की कतार लग जाती। इस लापरवाही की खबर सामने आई तो वशिष्ठ नारायण सिंह के घर पर लोगों की भीड़ जुट गई। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंच गए, लेकिन हैरान करने वाली बात ये रही कि इस मौके पर भी सीएम के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया गया। जब इनका डेड बॉडी पीएमसीएच में पड़ा हुआ था, उस वक्त न तो इनको एम्बुलेंस मुहैया कराया गया एक घर तक लाने के लिए, और न ही इनको कोई सम्मान देने की बात थी। लेकिन जैसे ही यह खबर दिखाई गई, उसके बाद से इनको राज्य के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। जाने माने गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह पिछले कई साल से बीमार थे। उनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा था। उन्होंने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा में भी काम किया था। गाजियाबाद की हवा में फैला प्रदूषण बीते कुछ दिन से खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए गाजियाबाद के डीएम ने कई कंपनियों पर 1,58,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बताया गया कि डीएम ने 174 लोगों को निर्माण कार्यों के जरिए प्रदूषण फैलाने का दोषी मानते हुए ये जुर्माना लगाया। वहीं उद्योगों के जरिए फैलाए जा रहे प्रदूषण पर सख्ती दिखाते हुए 12 लोगों के ऊपर करीब 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि कूड़ा जलाने के मामले में 73 लोगों पर करीब 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने एक बार फिर भारत में घुसपैठ की साजिश रची। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक
जैश मोहम्मद इस बार उसामा अजहर नाम के एक आतंकी की भारत में घुसपैठ कराने की फिराक में। उसामा अजहर जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का रिश्तेदार है और जैश के सबसे एक्टिव कमांडरों में एक है। उसामा अजहर 2018 तक अफगानिस्तान में सक्रिय था और फिलहाल वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बालाकोट और मनशेरा का इंचार्ज। खबर है कि उसामा अजहर पाकिस्तान के सियालकोट सेक्टर से भारत में घुसपैठ करने की तैयारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील मामले में केंद्र सरकार को राहत दी और सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर इन सभी अर्जियों में राफेल डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, लेकिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने राफेल मामले में दायर की गई सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया और 14 राफेल विमानों के सौदे को सही मानते हुए 14 दिसंबर 2018 के अपने फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांस से खरीदे गए राफेल विमानों के सौदे में गड़बड़ी से जुड़ी दलीलों को मानने से इनकार कर दिया और ये साफ कर दिया कि राफेल डील मामले में किसी तरह की जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने इसके अलग मायने निकाले और कहा कि अदालत के फैसले ने राफेल डील की जांच के दरवाजे खोल दिए। यही नहीं, उन्होंने जांच आगे बढ़ाने के लिए जेपीसी बनाने की मांग भी कर दी। राहुल ने 3 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस जोसेफ के बयान का हवाला देते हुए ये बात कही, क्योंकि फैसला सुनाते वक्त जस्टिस जोसेफ 2 जजों से सहमत तो हुए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जांच एजेंसियां खुद इस मामले की जांच कर सकती हैं। राफेल केस में पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आज ये साबित करता है कि राफेल के भ्रष्टाचार की आपराधिक जांच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने आज खोल दिया है। लेकिन बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस पर निशाना साधा, उन पर सरकार को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। चुनाव में हार गए, सुप्रीम कोर्ट में 2-2 राउंड हार गए, तो झूठ की बिसात कब तक चलाएंगे वो? कांग्रेस पार्टी का लंबा इतिहास रहा है, बार बार वो कहते हैं ना कि हम आजादी के आंदोलन में लड़ी हुई पार्टी हैं, तो जो आजादी के आंदोलन के मूल्यों को समझे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व वायुसेना अध्यक्ष बीएस धनोआ भी खुश दिखाई दिए और उन्होंने राफेल डील से जुड़ा पूरा राजनीतिक विवाद खत्म होने की उम्मीद जताई। I hope the matter is now laid to rest and as far as you know raking up such issues for trying to get political gains and in the interest putting the interest of your armed forces behind, I think that is not correct. दिल्ली के जेएनयू में छात्रों के प्रदर्शन के बीच वहां लगी विवेकानंद की मूर्ति के नीचे किसी ने आपत्तिजनक शब्द लिख दी, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। जेएनयू में लंबे प्रदर्शन के बाद मांगे पूरी होने के बाद भी छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने प्रदर्शन जारी रखा। इसी बीच वहां लगी स्वामी विवेकानंद की एक मूर्ति को जिस कपड़े से ढका गया था उसे किसी ने फाड़ दिया, साथ ही मूर्ति के नीचे बीजेपी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द भी लिख दिए गए। जेएनयू में लगी इस मूर्ति का भी अनावरण नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही इसकी खबर सामने आई वहां बवाल हो गया। बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी ने दूसरे दलों के छात्र संगठनों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। वहीं कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई ने इसे मुद्दों से भटकाने की साजिश बताया। We ask you please please focus on the demand which the JNU's all student community are raising. This is just a force just to divert the attention. लेकिन बीजेपी ने इस घटना को देश का अपमान बताया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। स्वामी विवेकानंद जी के यदि उनके स्टैचू का किसी ने अपमान किया है, मैं मानता हूं ये घोर अपराध है। हालांकि जब मामले ने तूल पकड़ा तब एनएसयूआई ने मूर्ति के नीचे लिखे गए उन आपत्तिजनक शब्दों को आनन-फानन में मिटा दिया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को काबू में करने के लिए आए गए ऑड इवन नियम का आज आखिरी दिन है। दिल्ली में ये ऑड इवन 4 नवंबर को लागू हुआ था। हालांकि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने संकेत दिए हैं कि ऑड इवन को आगे कुछ और दिन बढ़ाया जा सकता है। इसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है और सुनवाई के बाद ही दिल्ली सरकार ऑड इवन को आगे बढ़ाने पर फैसला लेगी। पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने 5 साल तक प्रदूषण से निपटने के लिए कोई काम नहीं किया।
और आरोप लगाया कि पहले से ही परेशान दिल्ली वालों के लिए ऑड इवन नियम लागू करके मुश्किल और बढ़ा दी गई। इस प्रदर्शन में बीजेपी नेता विजय गोयल समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे और केजरीवाल सरकार पर कई आरोप लगा दिए। एक तरफ सरकार कह रही है कि ऑड इवन का पालन करें, तो वहीं विरोधी ये कह रहे हैं कि ऑड इवन मत लगाइए क्योंकि इससे जनता परेशान है। लेकिन इस बीच जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों की हालात है वो बहुत खराब हो चले हैं। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी नेताओं ने ऑड इवन नियम को केजरीवाल सरकार का ड्रामा बताते हुए दावा किया कि इससे प्रदूषण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जो काम किया था वो किए नहीं, जनता से वो काम करवाना चाहते हैं इसको, और अगर पराली से प्रदूषण है तो फिर ऑड इवन का फायदा क्या है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास में हुई भारी बर्फबारी में कई लोग फंस गए। भारी बर्फबारी की वजह से वहां एक बड़ा ट्रक भी फंस गया जिसकी वजह से लंबा जैम लग गया, और उस जैम में वो लोग फंस गए जो मनाली और आसपास के इलाकों से रोहतांग घूमने गए थे। दिन के वक्त हुई भारी बर्फबारी से तापमान भी गिर गया और लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई। ट्रक के पीछे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लोगों ने तुरंत ही बर्फ में फंसे ट्रक को निकालने की कोशिश शुरू कर दी। ट्रक के टायरों के नीचे से बर्फ को हटाने का काम शुरू किया गया, लेकिन लोगों को इसमें कामयाबी नहीं मिली। सैकड़ों लोग अभी इस टाइम से वहाँ आकर देखो, अंधेरा हो जाता, रात हो जाती है, तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है, छोटे बच्चे भी हैं या महिलाएं हैं। लोग काफी देर तक कोशिश करते रहे। ट्रक का पिछला टायर बर्फ से बाहर निकल आया, लेकिन फिसलन होने की वजह से ट्रक आगे नहीं बढ़ पाया और टायर एक ही जगह पर घूमता रह गया। लोगों ने उम्मीद जताई कि जल्द ही प्रशासन उन्हें मुश्किल हालात से निकालने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने के अमित शाह के दावे पर शिवसेना ने जवाब दिया। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अमित शाह ने वहां के सियासी संकट पर पहली बार बयान दिया था और सीएम पद से जुड़ी शिवसेना की बातों को गलत करार दिया, जिसके बाद शिवसेना की ओर से संजय राउत जवाब देने सामने आए और 50-50 फॉर्मूले पर अपनी बात सही साबित करने के लिए बाला साहब ठाकरे की कसम खा ली। हम झूठ नहीं बोलेंगे, बाला साहब ठाकरे की कसम खाकर। संजय राउत ने केवल कसम ही नहीं खाई बल्कि ये दावा भी किया कि उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच बाला साहब के कमरे में ही बातचीत हुई। ये कमरा पूज्य बाला साहब ठाकरे जी का कमरा था, वो वही कमरा था जहाँ अमित शाह जी और उद्धव जी बैठ कर महाराष्ट्र के भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। शिवसेना ने ये तेवर अमित शाह के उस बयान पर दिखाए जिसमें उन्होंने फडणवीस को गठबंधन का चेहरा बताया था। सार्वजनिक प्रचार में मैंने कम से कम 100 बार कहा, प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा, अगर हमारी यूटी की सरकार आती है, बहुमत आता है, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। लखनऊ में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 409 जोड़ों की शादियां करवाई गई। लखनऊ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 409 जोड़ों की शादियां करवाई गई। इस बीच सभी जोड़ों को 51,000 रुपए की मदद भी दी गई, जिसमें गृहस्थी का जरूरी सामान भी था। पूरे प्रदेश में 21,000 इस प्रकार के जोड़े आज वैवाहिक दंपत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक लक्ष्य है, बहुत बड़ा काम है। राजस्थान के धौलपुर में एक मकान का छज्जा गिरने से 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। झारखंड के लातेहार में पुलिस ने नक्सलियों की तलाश में जंगल में छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। लखनऊ के गोसाईगंज में 9 तारीख से गायब एक नाबालिग लड़की का शव मिलने से दहशत फैल गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। भोपाल में प्याज की बड़ी कीमतों से लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने प्याज के 4 स्टॉल खोले हैं, जिनमें 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेचा जा रहा है। यहाँ पर हम प्याज लेने आए हैं कि सरकार की जो स्कीम है उसका फायदा उठा सकें। मध्य प्रदेश के मंदसौर में महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में इलाके के लोगों ने 2 लड़कों की पिटाई कर दी, जिन्हें भीड़ से बचाकर पुलिस वाले थाने ले गए और कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस घटनास्थल पर गई और दोनों मनचलों को लेके थाने लेके आई। इसमें अब अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उत्तरी थाईलैंड के एक शहर में एक महिला 22,000 वोल्ट के बिजली के तार की चपेट में आ गई। ये महिला सड़क पार करने के लिए ट्रैफिक रुकने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी सड़क के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन टूटकर उसके ऊपर गिर गई। इससे पहले महिला अपने बेटे के साथ वहां मौजूद दुकान से खरीदारी करके बाहर निकलती दिखी। दुकान से निकलने के बाद वो फुटपाथ से उतरकर सड़क के किनारे खड़ी हो गई और ट्रैफिक रुकने का इंतजार करने लगी, लेकिन तभी ऊपर से गुजर रही बिजली की तार से चिंगारियां निकलने लगी। चिंगारियां निकलते देख महिला ने वहां से हटने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो संभल पाती 22,000 वोल्ट की लाइन उसके ऊपर ही गिर गई। महिला के तार की चपेट में आते ही वहां धमाका हो गया। धमाके से आसपास मौजूद लोग भी डर गए।
कुछ देर बाद दो लोग बुरी तरह घायल महिला के पास पहुंचे और उसे उठाकर फुटपाथ पर ले आए, लेकिन जब तक वो महिला की मदद कर पाते तार का एक दूसरा हिस्सा भी टूटकर फुटपाथ पर गिर पड़ा। हालांकि वहां मौजूद एक लड़के ने फुर्ती दिखाते हुए महिला को ऊपर खींच लिया, जिससे वो दोबारा करंट की चपेट में आने से बच गई। देश भर की आपराधिक घटनाओं का रिकॉर्ड जुटाने वाली संस्था एनसीआरबी ने 2017 में ट्रेनों में हुए अपराध का आंकड़ा जारी किया है। एनसीआरबी ने बताया कि 2017 में ट्रेनों में चोरी के 74,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जिनमें 12,000 से ज्यादा मामले मेट्रो में चोरी के हैं। एनसीआरबी के मुताबिक इस बीच देश भर में ट्रेनों से करीब 157 करोड़ रुपए का सामान चुराया गया। 2017 में ट्रेनों में चोरी के मामले में महाराष्ट्र की हालत सबसे खराब रही, जबकि दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश रहा, दिल्ली तीसरे, गुजरात चौथे और तमिलनाडु पांचवें नंबर पर रहा। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनों में सबसे ज्यादा 43 लोगों की हत्या हरियाणा में हुई, जबकि दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल रहा, जहां 33 लोगों की हत्या ट्रेनों में की गई थी। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में लोगों के लिए सांस लेना और मुश्किल हो गया। लगातार तीसरे दिन प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना रहा, जिसकी वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। हालत यह है कि पूरी दिल्ली धुएं वाले कोहरे की चपेट में है। विजिबिलिटी घटकर 200 से 300 मीटर के बीच रह गई है। ठीक सामने देखिए, वैसे तो अगर सामने अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये हमारे कैमरे की खराबी नहीं, बल्कि हालात ही कुछ ऐसे हो चले हैं कि आपको 200 से 300 मीटर के आगे कुछ भी नजर नहीं आता। इंडिया गेट के दीदार के लिए देश भर से लोग दिल्ली आते हैं, लेकिन प्रदूषण के कारण इंडिया गेट भी धुएं से ढका हुआ दिख रहा है। इस वक्त मैं इंडिया गेट पर मौजूद हूँ। इंडिया गेट की तस्वीर हम आपको दिखाएं कि किस तरह से इंडिया गेट को धुंध ने अपनी चपेट में लिया हुआ है। दिल्ली में जगह जगह लगे हुए डिजिटल बोर्ड प्रदूषण के खतरनाक आंकड़े बताते रहे। पीएम 2.5 और पीएम 10 सुरक्षित मानकों से 10 गुना ज्यादा स्तर पर बने हुए हैं, इसीलिए लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के पीछे मौसम में हुआ बदलाव बड़ी वजह है। दिन भर धूप नहीं निकली, जिसकी वजह से दोपहर में भी प्रदूषण का स्तर बेकाबू ही रहा। दोपहर के 3 बजे दिल्ली के आनंद विहार में AQI का स्तर 999 रिकॉर्ड किया गया। AQI मीटर 4 अंकों का नंबर नहीं दिखाते, इसलिए 1000 के पार पहुंचने के बाद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 पर ही बना रहता है। दिल्ली के शाहदरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 608 रिकॉर्ड किया गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी हवा सांस लेने लायक नहीं रही और AQI 577 पर पहुंचा। दोपहर के 3 बजे दिल्ली के मंदिर मार्ग पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 577 ही रहा, जबकि श्रीनिवासपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 586 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ मौसम विभाग का अनुमान यह है कि शनिवार से पहले हालात नहीं बदलने वाले, इसीलिए दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में 2 दिन के लिए स्कूलों की छुट्टी की जा चुकी है। हालांकि छुट्टी के बावजूद दिल्ली के कई निजी स्कूल खोल दिए गए। बच्चों को जहरीली हवा में सांस लेते हुए ही स्कूल पहुंचना पड़ा। गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि डिक्लेयर कर दिया छुट्टी हो गई है, इन्होंने ओपन कर रखा है। दूसरी तरफ ज्यादातर एजेंसियों ने प्रदूषण से लड़ने की तैयारियां अपने स्तर पर शुरू कर दी। कई जगहों पर पानी का छिड़काव भी किया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विश्वास नगर में और यहाँ आप तस्वीरों में देखेंगे कि वाटर स्प्रिंकलिंग के जरिए पोल्यूशन कुछ कम करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली जैसा ही हाल एनसीआर के बाकी शहरों में भी बना हुआ है। सुबह की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो नोएडा के इलाके की तस्वीर देखिए, स्मॉग कितना ज्यादा है, कितना घना है और इसी स्मॉग की वजह से जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम हो चली है। प्रदूषण का मौजूदा स्तर बेहद गंभीर और सबसे खतरनाक माना जाता है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत एनसीआर में कई बड़े कदम उठाए गए हैं, जिनमें स्कूल और कॉलेज बंद करना भी शामिल है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के काम पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई। कहीं भी कूड़े को आग नहीं लगाई जा सकती और ऐसा करने पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ईंट की भट्टियों के काम पर अगले आदेश तक पूरी तरह से रोक। कोयले का इस्तेमाल